बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए किसान सम्मेलन शुरू किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया और इस किसान सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। योगी ने पहले तीनों कृषि कानूनों के फायदे गिनाए, किसानों की शंकाएं दूर की, उन्हें दूर करने की कोशिश भी की गई, जो सवाल थे उनके भी जवाब दिए योगी आदित्यनाथ ने। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं।